मरियम की मम्मी का डांस, मरियम की मम्मी का मेकओवर, भाई ये चमत्कार हो रहा है सास बहू और बेटिया में। क्या कि आज हमारी खास मेहमान है रुखसार रहमान, यानी सीरियल मरियम खान रिपोर्टिंग लाइफ में मरियम की मम्मी जी मदीहा खान। पर्दे पर भले ही रुखसार मम्मी का कैरेक्टर निभा रही हो, लेकिन इनकी त्वचा का क्या कहना, इनकी त्वचा से तो इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। और आज ये हमारे साथ करेंगे एक ब्यूटी भरा डे आउट, जहाँ पर ये कराएंगी सर की मालिश यानी हेयर स्पा, और साथ साथ लेंगी एक रिलैक्सिंग सा फुट मसाज। इनके बालों का हो जाएगा मेकओवर, इनकी सारी थकान हो जाएगी दूर, और ये तरोताजा होकर जुट जाएंगी अपने सीरियल की शूटिंग में। तो रुखसार के साथ शुरू करते हैं ये ब्यूटी भरा सफर, जिसकी शुरुआत हमने की मुंबई के मशहूर पैलेला सैलों से। हाय एवरीवन, मैं हूँ रुखसार रहमान और मैं प्ले कर रही हूँ मदीहा खान का कैरेक्टर मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव में। और आज मुझे सास बहू और बेटियाँ के लोग लेकर आए हैं वनीला सैलून में, जहाँ पर मुझे बहुत सारी पैम्परिंग मिलेगी। इन्होंने सोचा, कह रहे यार बेचारी ये बहुत मेहनत करती है, गर्मियों में बहुत तकलीफें झेल रही है एक अबला नारी तो उसको क्यों नहीं पैम्परिंग कराई जाए। सो हु डजंट वांट पैम्परिंग, सो लेट्स गो। वैनिला में दाखिल होते ही रुखसार की मुलाकात हुई शायद ही मम्मी यानी नीलिमा अजीम से। भाई ये दोनों काफी दिनों बाद मिली और मिलते ही शुरू हो गई बातें। तो हम लोग आ चुके हैं सैलून के अंदर और पूछते हैं यहाँ पर कि क्या क्या पैम्परिंग हो सकती है आज मेरी। तो चलिए पूछते हैं, मुझे तो सब कुछ करना है, लेकिन देखते हैं ये लोग क्या क्या करवाते हैं, मतलब ये क्या क्या करते हैं। तो चलिए वैनिला सैलून में दाखिल होते हैं और मिलते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट मलिका से, और जानते हैं कि आज इस ब्यूटी भरे डे आउट में रुखसार क्या क्या करेंगी। I can see your hair is getting little frizzed out. तो पैरों की मालिश, फुट मसाज करेंगे और हम करेंगे हेड मसाज, लेकिन हम ट्रीटमेंट के साथ करेंगे। ट्रीटमेंट के साथ करेंगे, समझ गए? समझ गए, समझ गए। भाई हेयर स्पा के लिए सबसे पहले रुखसार के बालों को शैम्पू किया गया, उसके बाद बालों को ड्रायर से सुखाया गया, और अब शुरू हुआ हेयर स्पा का सिलसिला। वैसे मालिश के सेशन के दौरान चाय की ये चुस्कियां काफी रिफ्रेशिंग है। हेयर स्पा दरअसल एक खास तरह की मालिश होती है, एक खास तरह का ट्रीटमेंट होता है, जहां पर ये पेस्ट आपके बालों में लगाया जाता है, उसके बाद बालों को स्टीम दिया जाता है, और उसके बाद कुछ खास थेरेपीज के बाद आपके बाल चमक उठते हैं। लेकिन हेयर स्पा में खास होती है ये मसाज, जो बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। और रुखसार के साथ भी इस हेयर स्पा के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। Just kidding.
फाइनल रिजल्ट था, रुखसार के बाल चमचमा उठे और लहरा उठे। तो ये देखिए, अब मेरे बाल हो चुके हैं बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही सिल्की एंड वेरी स्मूथ, और जो इन्होंने मुझे मसाज दिया था वो तो अमेजिंग था। और उसके बाद कंडीशनर के बाद इन लोगों ने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट भी दिया मुझे, तो यू कैन सी द ब्लो ड्रायर इज़ ऑल्सो अमेजिंग एंड द हेयर क्वालिटी इज़ लुकिंग इमिडिएटली वेरी वेरी नाइस। जो बाल थोड़े से घास की तरह हो गए थे वो फूल की तरह हो गए। हेयर स्पा के बाद अब बारी है फुट मसाज की। अब बारी है फुट मसाज की। तो अभी मेरे बाल तो माय हेयर इज़ फाइन, हेयर देयर एवरीवेयर इज़ फाइन। नाउ माय लेग्स आर गोइंग टू बी, माय फीट आर गोइंग टू बी पैम्पर्ड। देखिए तो फुट मसाज कराते करवाते रुखसार तो सो ही गई। भाई जब मसाज इतना रिलैक्सिंग हो तो थका हुआ आदमी हो जाता है रिलैक्स और तरोताजा। फाइनली रुखसार का डे आउट हुआ पूरा और अब वक्त है सास बहू बेटिया की हैप्पी डांस करने की। जी हाँ, इतने खूबसूरत बनने के बाद तो डांस करने का मन करेगा ही। आज तक कुछ भी करवा सकते हैं वो लोग। वैसे साथ साथ सेल्फी खिंचवाए जाए और वेलिना सलों में तरह तरह की रेंज को चेक किया जाए। थैंक यू सो मच सास बहू एंड बेटियां, और आपने एक टायर्ड एक्टर को इतना सुकून दिया, और आपसे जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड अंटिल वी मीट अगेन। तो देखा आपने मरियम खान की मम्मी मदीहा रियल लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल है, और आज इनकी ब्यूटी में लग गए चार चांद जब सास बहू बेटा के साथ इन्होंने किया ब्यूटी भरा डे आउट। मुंबई से रूपम मौची के साथ आज तक ब्यूरो।